Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. डर गए? तेजी से शोहरत पाने वाली मॉडल कंदील बलोच से मिलने लाहौर के फार्म हाउस पहुंची। सोशल मीडिया क्वीन कहलाती है, किसी बड़ी फिल्म या ड्रामा आती रहती है। मैं शुरू से बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, तो आ गया आइडिया। तख्लीकी ज़हन है या फिर शरारती? शरारती भी हूँ और क्रिएटिव भी हूँ। लोअर मिडिल क्लास से तलक रखती हैं, आगे बढ़ने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? मजा तभी होता है जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो। जो जीरो से आप जब ऊपर आते हो ना, फिर उसका मजा ही कुछ और होता है। तो बहुत मेहनत की, लोगों को ये लगता है कि मैंने जी रातों रात मशहूर हो गई हूँ, रातों रात मेरा कोई लॉटरी निकल गई कि मैं, मतलब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, मैं और ऐसे ही फेमस हो गई हूँ। पाक भारत मैचेस के दौरान शाहिद आफरीदी को जीतने पर स्ट्रिप्टीज की दावत दे डाली, क्या शाहिद आफरीदी से रब्ता भी हुआ? आफरीदी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि आफरीदी हमेशा से चाहता है कि वो एडवर्टाइजमेंट का खिलाड़ी रहे और हमेशा लाइमलाइट में रहे और हमेशा खबरों में रहे, मैगजीन्स में रहे, तो वो तो बहुत खुश हुआ इस मामले में। आपसे ब्राय रास्त कोई रब्ता किया? जी बिल्कुल, उनसे मेरा रब्ता रहा है। और कौन से एक उमर अकमल है, कामरान अकमल है? नहीं, उमर अकमल है। उमर अकमल ने मुझसे रब्ता किया था, इवन कि वो मुझसे मिन्नतें करता रहा कंदील मैच से एक रात पहले कि कंदील प्लीज़ आप अपना स्टेटमेंट चेंज कर लो, आप ऐसा करो कि आप स्ट्रिप्टीज लोगों को बोलो कि आप उमर अकमल के लिए करोगे, बिकॉज उमर अकमल यंग है और थोड़ा एनर्जेटिक है। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट क्रेजी। मैंने जो एक दफ़ा स्टेटमेंट दे दिया, मैंने बोला कि मैं आफरीदी के लिए करूँगी, तो मैं आफरीदी के लिए ही करूँगी। मैंने कहा आफरीदी से मिली? नहीं, शाहिद आफरीदी की कॉल्स बड़ी आई हैं इन दिनों में उनके, मिलने के लिए, तो मुझे मुनासिब भी लगा, मैंने मिली। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह डाला, भारत में एक खासा रद्द अमल हुआ, आप पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैसे तल्लुकात चाहती हैं? दोनों मुल्कों में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तानी आवाम है, जो इंडियन आवाम है, वी आर लाइक अच्छे दोस्त हैं। हम बात करते हैं इंडियन से, अगर बात करते हैं तो वी आर लाइक सेम। आई मीन, नरेंद्र मोदी बुरा था, मुझे बुरा लगा तो मैंने नरेंद्र मोदी को बुरा बोला, वो चाय वाला था तो मैंने उसको चाय वाला बोला। इसमें तो कोई, आई मीन, इसको कोई झुटला तो नहीं सकता कि वो चाय वाला नहीं था, वो ढाबा उसका था तो मैंने उसको बोला तुम्हारा ढाबा था, तुम चाय बेचते थे, इसमें झूठ क्या है मुझे ये बता। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को पैगाम भेजा कि अनुष्का शर्मा को छोड़कर मेरे से दोस्ती कर लो? अच्छा तो कोई भी लग सकता है। देखिए, अट्रैक्शन होती है, अब कोहली में अट्रैक्शन है, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी चार्मिंग, तो अच्छा लगा। मैंने बोल दिया कि कोहली प्लीज थिंक अबाउट मी, लीव अनुष्का। और वैसे भी अनुष्का का और कोहली का ब्रेकअप हो चुका है, अगर आप मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं तो आपको भी आई लव यू बोल दूंगी, इसमें क्या है। आप पहले ये फैसला तो कर लें, कोहली आफरीदी या फिर इमरान खान? नहीं नहीं, मैंने कोहली को आई लव यू नहीं बोला, ना ही मैंने आफरीदी को आई लव यू बोला, सिवाय इमरान के मैंने आज तक किसी को अभी तक आई लव यू नहीं कहा, कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे शादी कर लें। अदाकाराएं अक्सर अपनी मोहब्बत, उम्र और शादी के बारे में झूठ बोलती हैं, आप कितना सच बोलेंगे? आपने पहले भी बहुत सारी अदाकाराओं के इंटरव्यू लिए जो कि 27, 28, 30 साल की होते हुए बोलती थी कि जी हम 19 साल के या हम 20 साल के हैं। ठीक है जी, मैं 25 साल की हूँ, ये सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, आई थिंक लाइक एवरीवन नो। बाकी क्यों झूठ बोलती? वो शायद ये समझती है कि अभी हमने इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा राज करना है, आगे पूरी जिंदगी हमने काम करना है, 10, 20, 25 साल, तो इसलिए वो समझती है कि जितनी हम उम्र छुपाएंगी उतनी ज्यादा हम लोगों की नज़र में यंग रहेंगी। आपके रास्ते में कौन सी अदाकारा रुकावट है? ऐसे कोई भी नहीं है, बहुत सारी लड़कियां, आई मीन अभी न्यू टैलेंट है, बच्चियां कंदील बलोच बनने की कोशिश करती हैं, बट आती हैं चली जाती हैं, बट वो कंदील बलोच नहीं बन सकती। आप अपने बारे में सोचती तो होंगी, आप में क्या खास बात है? मुझ में खास बात ये है कि आई एम नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, बट सच्ची हूँ, सच्ची बात करती हूँ और खुले दिल की हूँ, आई मीन झूठ नहीं बोलती, ये सबको पता है, बस ये मुझ में खास बात है, बोल्ड हूँ, ब्लंट हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ।
उसके पूल में स्विमिंग करने आई। बेबाक हैं, शोबिज में आने से पहले भी ऐसी थी या ये बाद में अंदाज अपनाया? शोबिज में आने से पहले भी ऐसी ही थी, आई मीन जस्ट लाइक अ बॉय एंड मेरे शौक ही सारे ऐसे हैं, लड़कियों वाले शौक नहीं है मेरे, क्रिकेट का एंड डिफरेंट डिफरेंट शौक्स हैं, साइकिलिंग एंड ऑल। तो आपको ये सब बेबाक क्यों लगता है? दिस इज नॉर्मल आई थिंक। तैराकी कब सीखी? अभी रिसेंटली ये मेरा शौक हुआ है स्विमिंग का। अंग्रेजी के लफ्जों का अच्छा इस्तेमाल करती हैं। आप कितना पढ़ी हैं? मेरे ख्याल से पढ़ना आई मीन मैं दुनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, दुनिया से मैंने पढ़ा है एंड मेरे ख्याल से किताबों की पढ़ी हुई बातें मानी नहीं रखती जितना आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। ये बाकायदा कितनी सातवीं आठवीं दसवीं तक पढ़ी है? नो आई जस्ट डन माय बीए इन आर्ट्स अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ पढ़ा? मेरी स्कूलिंग मुल्तान की है और बाकी मैंने अपना बीए इस्लामाबाद से किया, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में किया है मैंने। अपना मुस्तकबिल कहाँ देखती हैं? पाकिस्तान की फिल्म में यानी लॉलीवुड में, बॉलीवुड में या कहीं और? मेरा मुस्तकबिल मुझे लगता है मेरी डेस्टिनेशन पाकिस्तान में नहीं है, मेरी डेस्टिनेशन या तो बॉलीवुड है या हॉलीवुड है। मेरे बहुत सारी आई मीन कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत चल रही है बॉलीवुड में, सो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आई मीन मेरे फैंस को खुशखबरी मिलने वाली है। पाकिस्तानी रकासाएं हों या अदाकाराएं, अक्सर की आमदनी डांसिंग से, प्राइवेट शोज से होती है? प्राइवेट शोज मेरा उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान की रकासाएं हैं या स्टेज से ताल्लुक रखती हैं। नहीं, क्या आप प्राइवेट शोज करेंगी? किस किस्म के प्राइवेट शोज? जिसमें डांसिंग हो। नथिंग, मेरी उस तरह की ना तो पर्सनालिटी है मुजरा वाली और ना ही मुझे मुजरा टाइप के डांस आते हैं। डांस का अगर मुझे शौक भी है तो मैं थोड़ा सा आई मीन हिप हॉप एंड थोड़ा सा आई मीन बॉलीवुड स्टाइल का मुझे शौक है एंड मेरी उस तरह की ना तो पर्सनालिटी है मुजरा वाली और ना ही मैंने कभी किया है और मुझे इससे सख्त नफरत है। किस पाकिस्तानी अदाकारा या रकासा से आपकी जाती दोस्ती है? नहीं नहीं, रकासाओं से जो है वो तो मैं बहुत दूर भागती हूँ एंड मेरा मैं इन लोगों से दोस्ती भी करना पसंद नहीं करती ज्यादातर, तो आई मीन जेलस ही हैं मुझसे, इनसिक्योर हैं बहुत ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई। तारीफ तो कर सकती हैं, सारी बहुत अच्छी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना पसंद करूंगी बट सभी अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे। आपकी जिंदगी में कभी मर्दों ने भी आपकी सपोर्ट की? सपोर्ट है मुझे मेरे दोस्तों की है, मुझे मेरे फैंस की सपोर्ट है, मुझे मेरे माँ बाप की सपोर्ट है। सपोर्ट है तो आई मीन मैं काम कर रही हूँ, अदरवाइज सपोर्ट के बगैर मैं कैसे करूँगी काम। कुदरत ने मदद की तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं अपने ऊपर कोई एक टैग नहीं लगवाना चाहती कि जी मैं सिंगर या मैं एक्ट्रेस, मैं एक एंटरटेनर हूँ और बहुत अच्छी एंटरटेनर हूँ। अपने फैंस के लिए मेरा दिल करेगा तो मैं अपने फैंस के लिए सिंगिंग करूँगी, मेरा दिल करेगा तो मैं अपने फैंस के लिए एक्टिंग करूँगी, डांस करूँगी। तो ठीक है, एक जो अच्छा अदाकार होता है, जो एक अच्छा आर्टिस्ट होता है वो आई मीन मल्टीपल होता है, मैं एक मल्टीपल आर्टिस्ट हूँ। इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूबा
किनारे पे आना, मैं भूले न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोई नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगी नहीं। गाने में तो आप कह रही हैं कि किसी से कहानी नहीं कहूंगी, किसी को कहानी नहीं सुनाऊंगी, मगर मुफ्ती कवि की कहानी तो आपने जमाने भर को सुना दी, ये तो खुला तजाद है। ये गाना जो है मैं किसी स्पेशल पर्सन के लिए गा रही हूँ, अपना लाइक मुफ्ती कवि को बीच में ना लाए, वो बंदा इस काबिल नहीं है कि उसका जिक्र किया जाए यहाँ पे। आपकी आवाज तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या हुआ कि आपको एक बड़े मशहूर प्रोग्राम से निकाल दिया गया? इंसान जब तक गलती नहीं करेगा, जब तक इंसान गिरेगा नहीं, धक्के नहीं खाएगा, गलती नहीं करेगा, तब तक उसको वो सही रास्ते पे नहीं जा सकता। तो मैं समझती हूँ कि वो जो कुछ भी हुआ मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, वो सब कुछ हुआ है, तो मैं मुझे मतलब इतनी सेंस आई है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। तो किसी से गिला शिकवा तो होगा? नहीं, मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है, मैं बस एक ही बात कहूंगी कि इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। उस वक्त तो आप काफी नाराज हुई थी। इमैच्योर थी, नई नई शोबिज में आई थी, बच्ची थी, मुझे नहीं पता था, बट जो भी हुआ ठीक है, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। आपका स्पेशल पर्सन कौन है? स्पेशल पर्सन कोई भी नहीं है, मेरे ख्यालों में आता है, मेरे ख्वाबों में आता है, बहुत अच्छा है, बहुत कैसी शक्ल सूरत? He's just like इमरान खान। इमरान खान की शक्ल सूरत पसंद है, उनका किरदार पसंद है, सियासत पसंद है, किस चीज पर आप सदके बारी जाती हैं? देखे इमरान खान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे लीडर हैं, और मेरी इमरान खान से कभी बात नहीं हुई, मैं कभी मिली नहीं हूँ, बट आई डोंट नो, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये मेरा राइट है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको बताओ, आप उसको इजहार मोहब्बत करो, बाकी यानी कि अल्लाह पे छोड़ दो। इमरान खान की दो शादियां तो हो चुकी हैं, तो क्या आप उनके साथ तीसरी शादी की ख्वाहिशमंद हैं? जी बिल्कुल, दो शादियां हो चुकी हैं और दो शादियां टूट भी तो चुकी हैं ना, आप ये भी तो देखें ना कि मैं किसी औरत के हक के ऊपर डाका नहीं डाल रही, सिंगल है वो, हो चुकी हैं, यानी कि अभी तो उनकी जिंदगी में कोई है तो नहीं ना, दैट्स व्हाई वो डिजर्व करते हैं, मतलब वो प्यार डिजर्व करते हैं, वो केयर डिजर्व करते हैं, आई मीन That's why, और मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगी एक दिन, और मैं I'm still like मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि इमरान खान मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सके। ऐसे लगता है कि उन्हें आपको ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आप उनके घर भी आई, टीवी पे भी आपका कई दफा प्रपोजल चला, लेकिन उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और अगर उन्होंने इसी तरह आप पर तवज्जो ना दी तो फिर क्या करेंगे? मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो एक दिन मान जाएंगे, एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन इमरान खान मान जाएंगे, मैं अभी वेट कर रही हूँ इमरान खान। कितनी देर और वेट करेंगे? जब तक लेट्स सी, अभी तो कुछ नहीं कह सकती मैं। जिम करने 5-स्टार होटल आए, को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से वर्जिश करती हैं। योगा भी
एक्सरसाइज से तो ऐसे लगता है कि आप सालों की महारत रखती हैं कि जिस्म को कैसे सडोल रखना है। मुझे बचपन से एक्सरसाइज का शौक है और इस एक्सरसाइज में मेरी इंस्पिरेशन मेरे अपने भाई हैं, ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो मैं बचपन से उनको देखती थी कि वो कराटे करते थे, एक्सरसाइज करते थे घर में, तो उनको देख देख के मुझे भी शौक पैदा हुआ और मैं बचपन से ही कर रही हूँ ये एक्सरसाइज। और जूडो कराटे भी जानती हैं? जी। कभी उसका मुजाहरा भी किया है कभी किसी मर्द पर? मैनी टाइम। थप्पड़ थप्पड़ लगा देती हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं लिहाज करती सीरियसली, आई मीन काफ़ी दफ़ा इस तरह हो चुका है। एक इस्लामाबाद की बात है कि मेरी सिस्टर का सैलून होता था, तो मेरी सिस्टर को ना एक साथ में एक शॉप थी, उनकी बुटीक थी, तो वो काफ़ी हद तक उनको तंग करते थे ना, बार बार जाके ना, साथ ही मेरी सिस्टर का सैलून था और साथ ही ना उनकी बुटीक थी, तो बहुत ज़्यादा आई मीन तंग कर रहे थे। उनको पता था कि ये कंदील की बहन है और बड़ी नॉटी सी, शरारती सी, कराटे करती है, तो मैं तो उनसे फंसी नहीं, उन्हें कहा जरूर कंदील ना सही, तो कंदील की बहन ही सही। तो फिर मैंने क्या किया कि जाके पूरी मार्केट में उसको निकाला शॉप से, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसके कंप्यूटर वम्प्यूटर सारी मैंने किक्के विक्के मार के ना तोड़ दिया। मैंने कहा अगर तुमने यहाँ पे इज्जत से रहना है ना तो दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठा के नहीं देखना। तो खैर उस जगह का वाकया आज तक लोग याद करते हैं, इस्लामाबाद में हम लोग रहते थे, तो उसके बाद फिर मेरी सिस्टर को ना बहन बहन कह के बुलाते थे, ओ शनाज बाजी। मैंने कहा थैंक गॉड। आप वाकई बहादुर हैं या बहादुरी का रूप धार रखा है? नहीं मैं शुरू से बहादुर हूँ। ये ना हो कि आप जो है छपकली देख के डर जाएं। नहीं छपकली देख के तो डरती होंगी ना? नहीं छपकली देख के नहीं डरती। किसको देख के डरती है? मैं सांप को देख के डरती हूँ, सांप से मुझे बहुत डर लगता है। मुनाफा बख्श नहीं रहा, फिल्में चलती नहीं, ड्रामों में काम नहीं मिलता, तो फिर आपका गुजारा कैसे होता? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, शोबिज में बिल्कुल भी आपकी तो एक उर्दू इतनी डिफिकल्ट है सीरियसली सुहेल साहब, मुझे समझ नहीं आती कि आपने क्या पूछा है। मैंने ये पूछा है कि गुजारा अच्छा आमदनी कहाँ से आती है। वैसे आपसे मुझे उर्दू की क्लासेस लेनी पड़ेंगी सीरियसली। अच्छा सो जहाँ तक ये बात है शोबिज की आमदनी की, तो देखिए मेरे साइड बिजनेस है, मैं साइड पे काम कर रही हूँ, मेरे कुछ ऑनलाइन बिजनेस है वो मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन कुछ ट्रेडिंग का काम है साइड पे, तो वो चलता रहता है। आई मीन मैं शोबिज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि मैं शोबिज से ही मैंने अर्न करना है, तो माशाल्लाह से मेरा सोशल मीडिया के ऊपर इतना बड़ा काम है, तो आई मीन मैं वही सही कमा रही हूँ, मतलब ऑनलाइन बिजनेस से कमा रही हूँ, मेरी कुछ शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वहां से मेरी कुछ अर्निंग होती है और बाकी। कितना कमा लेती हैं महीने? बस ठीक है गुजारा हो जाता है। लाख दो लाख तीन लाख चार लाख कितना कमा लेती हैं? मैं ये तो मैं कोट नहीं करूंगी लाख दो लाख तीन लाख चार लाख, बट ठीक है ओके, मतलब लाख कमा लेती हैं? नहीं मैं कोट नहीं करूंगी कि कितने कमा लेती हूँ, बट इतने हो जाते हैं कि बस मैं अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही हूँ, बहुत अच्छे से गुजार रही हूँ, तो बस। ये मर्दों का मुआशरा है, लोग पेशकशें तो करते होंगे कि हमारे पास आए हमारे साथ वक्त गुजारे। ओह माय गॉड, आप मुझे नॉर्मल लड़की ना ट्रीट करें, मुझे नॉर्मल लड़की ना समझें। एक बंदा अगर आई मीन मुझसे बात करते हुए 10 दफा सोचेगा कि कंदील से इस तरह की बात किस तरह से करनी है। क्या आपको जिंदगी भर कभी कोई पसंद ही नहीं आया? कोई इस काबिल ही नहीं है जो आई मीन डिजर्व करता हो। पसंद आते हैं बट लेकिन पता नहीं क्यों, आई मीन मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप लड़की हूँ, मेरी आई मीन मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड करना, मुझे समझना बहुत मुश्किल है, और जिस दिन किसी ने मुझे अंडरस्टैंड कर लिया समझ लिया तो देख लेंगे सोचेंगे फिर उस बारे में। अभी तक कितने लोग पसंद आए हैं और किस वजह से? मोहब्बत जो होती है ना वो बहुत सारे लोग कहते हैं मोहब्बत जो होती है वो बार बार होती है, और मोहब्बत हो जाती है, क्रश होते रहते हैं, मेरे क्रश चेंज होते रहते हैं, बट एक होता है ना कि इश्क, मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी से इश्क हो जाए,
पर वो मुझे इश्क नहीं होता सीरियसली। अब तक कितने क्रश हो चुके हैं? क्रश तो बहुत होते हैं, हर महीने मेरा, नहीं हर महीने तो नहीं होता, ये थोड़ा झूठ बोल रही हूँ, हर महीने नहीं होता, हर चौथे पांचवें महीने मेरा क्रश एक नया होता है, और वो क्रश मेरा ज्यादा देर नहीं रहता, 15-20 दिन मैक्स, 1 month, दैट्स इट। और वो कैसे मर्द होते हैं जिन पे क्रश होता है? या अल्लाह सुहेल साहब, आपके बड़े मुश्किल सवाल होते हैं सीरियसली। किसी की पर्सनालिटी अच्छी लग जाती है, किसी की बातें अच्छी लग जाती हैं, और कोई इतने ज्यादा चिपकू होते हैं, इतने ज्यादा चिपकू होते हैं कि पीछे ही पड़े जाते हैं, तो आई लाइक दुनिया है, फिर मानना पड़ जाता है, लेकिन वो क्रश नहीं होते ना, तो फिर ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरे पीछे लोग होते हैं उनका बता रही हूँ कि डिफरेंट होते हैं। मेरा जो क्रश होता है वो, आई मीन मैं हमेशा गलत बंदा ही चूज करती हूँ, वो गलत ही होता है, फिर मैं पछताती रोती हूँ, हाय मुझे किस पे क्रश आ गया, कितना गलत बंदा था, कितना गलत इंसान था, फिर वापस आ जाती हूँ अपनी लाइफ में। क्या आपका असली नाम कुछ और है? मेरा जो असली नाम है वो अब तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, मेरा असली नाम है फौजिया अजीम एंड माई फादर नेम इज मोहम्मद अजीम, एंड जो कंदील नाम है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा क्रश था बचपन में उन्होंने मेरा नाम रखा था कंदील, तो वो मैंने तब से रखा हुआ है, एंड एवरीबॉडी कॉलिंग मी कंदील, एंड इवन माय फैमिली। दूसरा क्रश कब हुआ? दूसरा क्रश फिर मेरा टीचर से हुआ था, एंड थर्ड फिर हुआ था मेरा कुलीग था उसके साथ हुआ था, फिर काफी सारे क्रश हुए हैं, काफी सारे। I'm just like a खुली किताब, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच्ची हूँ, जो हूँ वो हूँ। क्रश हुए तो हुए, हाँ इसमें क्या, अब कोई अच्छा लग जाता है, जो कोई पसंद आ जाता है तो आप उसको क्या बोलें? कई फैंस भी तो पीछे पड़ जाते होंगे, फिर जान नहीं छोड़ते होंगे। उफ, फैंस लाइक मेरे फैंस भी अजीब हैं सुहेल साहब, सीरियसली आई मीन वो भी मेरी तरह ही है, आई मीन पागल क्रेजी, एंड लाइक कुछ लोग तो मेरे घर पे आ जाते हैं, घर का दरवाजा नॉक कर रहे होते हैं और पूछते कौन, कंदील वी आर बिग फैन ऑफ योर्स प्लीज ओपन द डोर, आई मीन सॉरी सेंसर कर देना प्लीज वी आर बिग फैन ऑफ योर, वी वांट टू टेक अ सेल्फी विद यू प्लीज ओपन द डोर, अब घर आ जाते हैं। क्या मामला क्रश तक ही रहता है या आखिर तक जाता है? आखिर से मेरा मतलब है शादी। खैर यहाँ तक बात नहीं आती, आखिर वाखिर तक मुझे पता है कि वो क्रश से जान कैसे छुड़वानी होती है, ठीक है, मैंने उनसे बोला डायरेक्ट शादी कब कर रहे हो, तो वो क्रश टूट गया, दैट्स इट। जब भी आप उसको बोलोगे ना शादी कर लो फौरन, तो उसका क्रश गया, उसकी वहीं पे गई फिर, तो बस। आप क्रश के दौरान आजमाइशें रख देती हैं? इस तरह की आजमाइश की वो पूरी ना कर सके, जो सही बंदा होगा ना, जो सही आपसे मोहब्बत करेगा, जो सही आपको पसंद करेगा, तो वो आपकी हर आजमाइश पे पूरा उतरेगा। फार्म हाउस पहुंची, कोरियोग्राफर अदील से डांस ट्रेनिंग ली, हर एक के साथ सेल्फी लेने का जुनून की हद तक शौक है, सेल्फी स्टिक अपने पास रखती है। कहते हैं कि आपने प्यार में बहुत ठोकरें खाई, कई लोगों ने आपसे बेवफाई की और आप जोशे इंतकाम में भड़क रही हैं।
वेरी फनी, साउंड्स लाइक फनी. अभी आई मीन आपको लगता है कि मैंने प्यार में धोखे खाए और मैं मेरी उम्र ही क्या है अभी, मुझे ये बताएं. मैं तो चाहती हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो, मुझे होता ही नहीं है, मैं क्या करूँ. इसी वजह से तो आप बहुत लड़ाकू हैं. I'm a scorpion, तो स्कॉर्पियन जो होते हैं वो है होते ही ऐसे हैं, लड़ाकू टाइप होते हैं और उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है और वो थोड़े जोशीले टाइप होते हैं और ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरा स्टार है सर. ये बार बार ठुकराई जाने वाली कंदील बलोच के अंदर एक बागी जिन बैठा है, ये कब कब बाहर निकलता है? जब फ्रस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा इंतहा हो जाती है तब. तो फिर क्या करती हैं? फिर मैं लोगों की नींदें उड़ा देती हूँ. तो लोगों को किस तरह तंग करती हैं? अपने डिफरेंट अंदाज से, डिफरेंट तरीकों से. बार बार फोन करती हैं, जस्ट लाइक स्ट्रिप्टीज. कितने लोगों की नींदें उड़ा, आपकी नींद उड़ी थी स्ट्रिप्टीज से? मैं हैरान हुआ. मुखालिफ कहते हैं कि आप ये उल्टी सीधी हरकतें सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए करती हैं. सस्ती शोहरत हासिल करना भी कोई आम बात नहीं है. बाकी क्यों नहीं करते, बाकी करें ना, सस्ती शोहरत बाकी क्यों नहीं हासिल करते. अगर सस्ती शोहरत हासिल करना बहुत आसान होता तो आजकल हर कोई फेमस होता. मुफ्ती अब्दुल कवी को रोयते हलाल कमेटी से निकलवा दिया, उनको बदनाम कर दिया, क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? I swear, मुफ्ती अब्दुल कवी इससे भी कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं. मुफ्ती अब्दुल कवी ने सारी जिंदगी गुनाह किया, सारी जिंदगी पता नहीं उसने क्या क्या गुनाह किया, उसको एक दिन खुदा की पकड़ में आना था और वो आए हैं. क्या आपने मुफ्ती अब्दुल कवी को मंसूबा बनाकर फंसाया? मंसूबा नहीं था. आई स्वेयर मेरा ये काम नहीं है. मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ कि मैंने लोगों को बेनकाब करना है, ठीक है. मैं एक एंटरटेनर हूँ, मेरा काम है मॉडलिंग करना, मेरा काम है सिंगिंग करना, मेरा काम है एक्टिंग करना, मेरा काम किसी को बेनकाब करना नहीं है. ये तो खुदा की तरफ से लिखा हुआ था कि उसने बेनकाब होना था मेरे हाथों, वो जो मैंने किया. फिर भी इंसान है आप. देखिए मैं सबको, सारे मुफ्तियों को बुरा नहीं कह रही कि सारे मुफ्ती ही बुरे हैं या सारे उल्मा ही बुरे हैं, लेकिन उनके बीच जो ये बंदा, हम ये बंदा ठीक नहीं है. इस बंदे को जितना मैंने करीब से देखा है ना. मुफ्ती साहब के साथ कितने दिन दोस्ती रही? इतना ज्यादा मेरी दोस्ती उनसे नहीं थी, बस एक आध प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, एक साथ हमने शो किया था. जब मैं उनसे मिली हूँ, 3-4 घंटे का मैंने उनके साथ एक टाइम गुजारा और 3-4 घंटे में मैंने उनका जितना भयानक चेहरा देखा शायद ही आज तक किसी ने देखा हो. अफवाह है कि भारतीय शो बिग बॉस के हवाले से भी आपका नाम जेरे बहस आया है, क्या वाकई कोई पेशकश हुई है? भारतीय शो के मैं नहीं कह सकती मैं भारतीय शो में जा रही हूँ, बट ये कि उन्होंने मुझे ऑफर किया था. भारतीय शो जो बिग बॉस जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनकी ऑफर आई थी, बट ये है कि उनके साथ अभी मेरी कोई डील तय नहीं हुई. बट और बहुत सारी चीज़ें मेरी इंडिया में चल रही हैं, जैसे कि फिल्म्स हो गई या कोई और प्रोजेक्ट हैं, तो इंशाल्लाह मेरी डेस्टिनेशन तो है ही इंडिया, तो इंडिया में जाके काम तो मुझे करना है. बट अबाउट बिग बॉस तो ये अभी रूमर्स हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती. आप अक्सर कंवारों की तलाश में रहती हैं, आपकी नज़र शेख रशीद पर क्यों नहीं पड़ती? यार शेख रशीद कम ऑन, क्या हो गया? शेख रशीद क्या हो गया आपको? क्या शेख रशीद साहब पसंद नहीं? नहीं, शेख रशीद के बारे में सोच भी नहीं सकते. क्या उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? शेख रशीद रियली नहीं, नहीं. अदाकारा जर्री ने शोबिज बरादरी के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया. इशाइये में मुन्नू भाई, अदाकार शाहिद और हसन अस्करी के साथ मुलाकात हुई. बिजनेसमैन तारक शेख के यहाँ खाना खाया, चनियोटी डिश मटन कुन्ना से तवाजो की गई, सैयद नूर मौजूद थे.